नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं बुलंद आवाज़ किताब का लोकार्पण हो रहा है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के विद्यापति भवन में, जहां पर तमाम जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, नितिन नवीन हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, नंदकिशोर यादव की जीवनी पर लिखी हुई किताब, शाहनवाज हुसैन भी मौजूद हैं। बुलंद आवाज़ का लोकार्पण हो रहा है, राकेश प्रवीर इसके संपादक हैं और इस किताब का लोकार्पण हुआ है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी यहाँ मौजूद हैं और बड़े बड़े जितने बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया है मेरी बुलंद आवाज़ का किताब, नंदकिशोर यादव की जीवनी पर लिखी हुई है और नंदकिशोर यादव ने भी इसमें सहयोग दिया है। आपको बता दें तमाम जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। आज से ही से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू हुआ, तमाम जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई है अगले साल, वैसे में मेरी बुलंद आवाज़ किताब लिखी गई है प्रभात पब्लिकेशंस द्वारा, प्रभात प्रकाशन के द्वारा। इस किताब को अब ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोग इसे खरीद सकते हैं। बुलंद आवाज़ नंदकिशोर यादव, जो कि बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे लंबे समय तक, उनकी कैसी जीवनशैली रही, क्या कुछ उन्होंने सीखा है, बुलंद आवाज़ किताब का नाम ही सुनकर अजीब लग रहा है। बुलंद आवाज़ ये तस्वीर है उस किताब की जो हमने आपको दिखाई है। तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं बिहार बीजेपी के, राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी मौजूद हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, नेता विरोधी दल विजय सिन्हा हैं, तमाम जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इस नंदकिशोर यादव के द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुलंद आवाज़, जिसके संपादक हैं राकेश प्रवीर, और प्रभात प्रकाशन के द्वारा ये किताब जो है वो मार्केट में लाई गई है, इसका आज लोकार्पण किया गया है। और किताबें आप ज़रूर पढ़ें, किताबें जो हैं वो हर इंसान की काफ़ी बेहतरीन दोस्त होती है। किताब पढ़कर आप ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के विद्यापति भवन से, जहाँ पर तमाम जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं, विधायक हैं मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं वो सभी मौजूद हैं, और हॉल जो है वो पूरा भर चुका है। ऐसे में तैयारियाँ पहले से की गई थी प्रभात पब्लिकेशंस के द्वारा, प्रभात प्रकाशन के द्वारा मेरी बुलंद आवाज़ किताब जो है वो अब बाज़ारों में आ चुकी है। आप ज़रूर उसका अध्ययन करें, उसे सीखें। जीवनी पर लिखी हुई है नंदकिशोर यादव के, और काफ़ी मिन्नतों से, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी सोच समझ के इस किताब को तैयार किया गया है। जीवन में कितनी चुनौतियाँ आई उन तमाम चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है, कैसे उन चुनौतियों से लड़ा गया, क्योंकि पहले के समय में जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना आधुनिक युग नहीं था पहले, तो उस वक्त कैसे संघर्ष करके बिहार विधानसभा तक पहुँचे। लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी गई, लड़ाई सदनों में भी लड़ी गई और आवाज़ उठाई गई, बुलंद आवाज़ उठाई गई, जनता की बुलंद आवाज़। आपने तस्वीर देखी है, आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।